Subscribe my channel Tech Info to get the latest updates. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने पढ़ा होगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, पर आज हम बेस्ट ट्रिक देखेंगे जिससे हम तुरंत बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकें। ये कंपटीशन में भी आपके काम देगा और बोर्ड एग्जाम आपके हो रहे होंगे केमिस्ट्री के, आपने दिया होगा तो उसमें भी आपको चेक कर सकेंगे, जिससे आपके आगे कैलकुलेशन में ईजी होगा। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे मैं बनाऊँगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर देखें, पहले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही याद कर लीजिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर याद कर लीजिए, 8 का होगा 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। अब उल्टा करिए, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 and 0.0। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए O2 का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया, ठीक। O2 का आप लंबे मेथड्स करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेथड तो समय लगेगा। अब टिकट ट्रिक क्या है, O का एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8, यानी 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 है, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। देखिए कितना सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, O2 माइनस है, यानी कि कितना हो जाएगा, देखें O2 16 और एक माइनस है जिसकी वजह से 17, यानी कि हो जाएगा 1.5। अब देखें, अब लेते हैं O2 डबल माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 16 और 2 नेगेटिव है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन से 18 का कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 1। अब और कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो ले लें, कोई बोल रहे नाइट्रोजन, ठीक है नाइट्रोजन ले लेता हूँ। नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर, 7, 2 मॉलिक्यूल है, कितना हो जाएगा 14, 14 इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 3। अब क्या कौन सा एग्जांपल लेना चाहते हैं, अब बताइए, N2 माइनस ले लो, ठीक है N2 माइनस लेते हैं, कितना हो जाएगा, N2 का 14 है, माइनस हो गया तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, देखिए टेबल में कितना है, 2.5, ये हो गया 2.5। और एक दो और एग्जाम्पल ले लूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ Be2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का, 4, 2 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 8, 8 का कितना है बॉन्ड ऑर्डर, देखिए 0, तो बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0, यानी 0 है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा बेरिलियम का, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगले एग्जाम्पल में ले लेते हैं N2 डबल माइनस मतलब कितना हो जाएगा 7, 14 और 2 16 है, एंड बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी ट्रिक, आप उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक बहुत काम देगी, आप कंपटीशन में से तुरंत बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकेंगे और एग्ज़ाम में आपके हेल्प हो पाएंगे। तो सब्सक्राइब टेक इन्फो ताकि मैं और ऐसे ऐसे शॉर्टकट ट्रिक वीडियो डालते रहूँ। थैंक यू।